नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो देखेंगे आखिर ये अभी चर्चा में क्यों है, आखिर ये आर्टिकल क्यों लिखा गया अभी, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच, यानी कि अफ्रीकी जो भी देश हैं उनके बीच संबंध कैसे हैं उस पर भी बात करेंगे। भारत और अफ्रीका के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि आप तभी तो किसी देश से संबंध बनाओगे जब आप की जरूरत होगी उसकी, उससे। आप दोस्ती तो तभी करते हैं आजकल, हमें जब जरूरत होती है हम अपनी बराबरी का दोस्त भी देखने लगते हैं। तो इसी तरह देशों का भी होता है कि सहयोग के कुछ क्षेत्र होते हैं तभी दोस्ती की जाती है। बात करेंगे विशेष प्रयोजन वाहन क्या है शब्द, इसे भी देखेंगे और अफ्रीकी संघ को देखेंगे। संबंधों को बेहतर करने में सहायक उपाय उपाय क्या क्या है हमारे भारत और अफ्रीकी के बीच, उसे भी देखेंगे। और एजेंडा 2023 क्या है उसे भी देखेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मैप्स में स्थिति देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय भारत की। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें एशिया महाद्वीप में हमारा प्यारा भारत है, देख रहा होगा आपको। ये आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। पीओके वाला हिस्सा लगता है आपका अफगानिस्तान से। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये लक्षद्वीप सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया। यहाँ आते हम लोग तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका। इसमें आपके 54 देश आते हैं, कितने, 54 देश। इसके ऊपर आपका ये भूमध्य सागर है अफ्रीका महाद्वीप, देख रहा होगा ये भूमध्य सागर है। और ऊपर आपका यूरोप महाद्वीप लगा हुआ है, पश्चिम में ये आपका अंध महासागर है, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका दक्षिण अंध महासागर, यानी कि दक्षिण महासागर। और अगर पूर्व की बात करें हम लोग तो ये आपका अरब सागर यहीं लगा हुआ है, हिंद महासागर यहीं लगा हुआ है, ये आपका हिंद महासागर। यहां एक बात आपको रोचक तथ्य बताएं कि कई इतिहासकार हमारे मानते हैं कि इसी महाद्वीप में आपका सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था, यहीं से दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं लोग, इसीलिए इसे सभ्यता की जन्मभूमि भी आप लोग मानते हैं। क्या मानते हैं, सभ्यता की जन्मभूमि। ठीक है, इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, नाबीबिया हो गया, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, जाम्बिया, अंगोला, ये वही दक्षिण अफ्रीका है जहां महात्मा गांधी हमारे गए हुए थे, तंजानिया, कांगो गणराज्य, गेबोन, केन्या, सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, घना, एक गिनी की खाड़ी है, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, माली हो गया, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया। ठीक है, यही गया आपका, अदन की खाड़ी लगी हुई है यही आपकी। अब चलते हैं हम आप लोग अपने आर्टिकल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 ने का प्रसार विश्व के सब लगभग सभी देशों में हो चुका है। इससे अब कोई भी देश अछूता नहीं रहा है, लगभग लगभग अफ्रीका महाद्वीप भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से अफ्रीका में विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद कमजोर है। अफ्रीकी देशों ने न केवल मास्क, वेंटिलेटर, बल्कि साबुन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के बावजूद कोरोना वायरस के प्रारंभिक प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से कदम उठाए। आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप बहुत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पानी की किल्लत है,
पानी की किल्लत, तो आप सोचिए हाथ कौन बार बार धो सकता है पानी की अगर समस्या हो, और फिर गरीबी की समस्या हो तो वेंटिलेटर कौन खरीद सकता है। अगर ये ज्यादा बीमारी फैली इस तरफ वायरस, तो यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं वेंटिलेटर खरीदने के लिए इतने सक्षम नहीं है ये देश, ठीक, कुछ देशों को छोड़कर बस। तो यहाँ इसका भी विनाशकारी प्रभाव हो सकता है अगर यहाँ बड़ी मात्रा में फैल चुकी। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहद कमजोर स्थिति के कारण अफ्रीका बाह्य सहायता पर निर्भर रहता है, यानी कि यहाँ की जो स्वास्थ्य अस्पतालों की हालत है खस्ता, इसके लिए वो दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। जैसे आपके यहाँ अगर किसी कमी की कमी पड़ती है किसी चीज की, तो आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, आपकी यानी कि स्थिति नहीं है कि आप लोग उसे खरीद सकें या उस स्थिति को सुधार सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं सहायता पर दूसरी। तो इसी तरह इनका हाल है। अफ्रीका को इस वैश्विक महामारी में कार्य कर रहे अग्रिम पंक्ति के सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुरक्षा उपकरण और समर्थन की आवश्यकता है। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अफ्रीका में लंबे समय से कार्यरत हैं, पहला आपका भारत और दूसरा है चीन, ने चिकित्सा सहायता के माध्यम से अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाई है। भारत और चीन ने आपके भारत और अफ्रीका के बीच अनुक्रियाओं का एक दीर्घ और समृद्ध इतिहास रहा है, जिसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विनिमय उल्लेखनीय है। हाल के वर्षों में इन संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। तो याद रखिए, आप लोग जो बोलते हैं कि चीनी सामान को बाइकआउट कीजिए बाइकआउट कीजिए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। याद रखिए, इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग आयात करते हैं चीन से, और जो आप फोन चला रहे हैं उसमें एक ना एक कोई सामान चीन का लगा हुआ है। जैसे कोई फोन बन रहा है तो उसमें सभी सामान किसी एक देश के नहीं लगे हुए हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप चीन को बाइकॉट नहीं कर सकते। कई देशों ने कोशिश की, अमेरिका भी कर चुका है, आपका जापान भी कर चुका है। कई बार अमेरिका जापान के प्रोडक्ट का बाइकॉट करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो सका। आज तक कोई भी एक ऐसा देश नहीं पाएंगे आप लोग जो सफल ना हो सके। अब आप चलिए, वहाँ क्या जो बल्ब आते हैं, जो इस तरह की छोटे छोटे बल्ब आते हैं, उन्हें आप और सामानों को आप लोग बाइकॉट कर सकते हैं। क्या मोबाइल चलाना भी बंद कर देंगे आप लोग? यहाँ तक कि एप्पल का आप फोन भी खरीद रहे तो उसमें कोई ना कोई सामान किसी कंपनी का, यानी कि कोई सामान उसमें चाइना का भी लगा होता है। कोई आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी जिस टाइम आप समझ सकते हैं इस तरह से कि टायर कहीं और से मंगवाए जा रहे हैं, उसकी चेचिस कहीं और से मंगवाई जा रही है, स्ट्रैंड कहीं और से मंगवाई जा रही है, इंजन कहीं और से मंगवाया जा रहा है, तो इन सब में से एक पार्ट तो आपका चाइना से रहता है। तो आप संभव नहीं है कि इसे बाइकॉट, ये भावनात्मक रूप से आप लोग ले सकते हैं कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा, आप लोग खुद जान सकते हो। हम बात करते हैं भारत और अफ्रीका संबंधों के बारे में, और याद रखिए चीन इतना अपने पैर फैला चुका है अफ्रीका महाद्वीप में, अच्छा खासा अपना कब्जा बना बैठा है। पाकिस्तान देखिए, एशिया में आप लोग देखिए, चाइना, नेपाल, हमारे पड़ोसी देशों को पर कब्जा कर लिया उसने, तो उसे अपने बाजार से मतलब है। क्या है, मुझे बाजार चाहिए उसे, तो वो मिल रहा है उसे। आप कितना भी बाइकॉट कर दें फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस सबसे पहले वहीं से चालू होता है, और वो अपनी सबसे पहले आर्थिक स्थिति सुधारने में लग जाता है। जब हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, यानी कि जब हमारी सब ठप पड़ी हुई थी अर्थव्यवस्था, वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयां दे रहा था। समझ सकते हैं आप लोग, भारत का अफ्रीकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 से 4 दशकों से भारत ने इस महाद्वीप के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है। हालांकि पिछले दशक में से इसमें और तेजी आई, और साथ ही कुछ वर्षों में इस संबंध में कई गुना वृद्धि भी देखी गई। दिल्ली में तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की ताजपोशी के दौरान भारत ने पहली बार अफ्रीका को एक गुट के रूप में नहीं देखा था।
बल्कि अफीकी गुट वाले व्यक्तिगत देशों के रूप में देखा था। रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अफीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जापान के साथ एशिया, अफीका, गलियारे जैसे त्रिपक्षीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुखर होकर बॉटम अप साझेदारी दृष्टिकोण को अपना रहा है। पिछले दशकों में भारत द्वारा अफ्रीका के साथ संवाद कायम किया गया है, ना कि एक तरफा एक आला। इस प्रकार भारत ने अफ्रीकी लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी हमेशा द्विपक्षीय रही है। उदाहरण के तौर पर भारत और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को देखा जा सकता है, जिन विभिन्न व्यापारिक गुटों के साथ साझेदारी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उनमें से कॉमेसा, इकोवास, ईसी, सीएएस अफ्रीका के मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रमुख हैं। अब बात करते हैं भारत अफ्रीका के मध्य सहयोग के क्षेत्र। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अभी भारत नेपाल के संबंध देख रहे थे, तो उससे भी आपकी एक कंप्लीट क्लास ली हुई है और बहुत साधारण शब्दों में बताया गया है क्या विवाद है नेपाल और भारत के बीच, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं चर्चा में बना हुआ है। तो पता है हमारे पड़ोसी है नेपाल, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है, हम लोगों ने कई बार मदद भी की है उसकी। और अभी सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस फैला तो वहाँ कम मरीज थे, फिर भी हम लोगों ने सबसे पहले उसी को दवा दी, वैक्सीन दी कि वो वहाँ फैलाना। लेकिन आखिर उसने किस तरह से जो बयान दिया वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्र प्रमुख ने, एक तरह से प्रधानमंत्री ने, कि वो कोरोना चीन और इटली से खतरनाक कोरोना वायरस है भारत, और भारत ही हमारे यहाँ कोरोना फैला रहा है वायरस। समझ सकते हैं, एक समय पाकिस्तान अगर इस तरह का वक्तव्य देता तो समझ सकते थे हम लोग, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। चीन देता तो एक समय समझ सकते थे, लेकिन जब नेपाल दे रहा है, नेपाल चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, समझ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध। तो याद रखिए उसे आप लोग देख लें नेपाल और भारत के संबंधों को, क्योंकि उससे भी आपका अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में। आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध में भारत व अफ्रीकी संबंधों के प्रारंभिक दशकों में दोनों के मध्य व्यापार लगभग नगण्य था, लेकिन वर्तमान में यह 65 बिलियन डॉलर का स्तर पार कर चुका है। भारत और अफ्रीकी संघ के देश मिलकर विश्व जनसंख्या का लगभग एक तिहाई है, अतः एक दूसरे का ध्यान रखते हुए सहयोग करना और आगे बढ़ना लाभकारी है। भारत का व्यवसाय और उद्यम इसकी स्थिति बदलते रहे हैं। वर्तमान में अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, अतः वर्ष 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद राष्ट्र निर्माण का भाव परिवर्तित हो चुका है और भारतीय उद्यम काफी प्रभावशील और बहुराष्ट्रीय हो गए हैं। अफ्रीका के बारे में एक विविधतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए, क्योंकि वहाँ अन्य के अलावा अंग्रेजी भाषी, फ्रेंच भाषी और पुर्तगाली भाषी अफ्रीकी देशों का भाषाई वर्गीकरण। अंग्रेजी भाषी अफ्रीका के साथ व्यापार एवं व्यवसाय के हमारे पारंपरिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य दो के साथ हमारे रिश्ते शुरू होने की प्रक्रिया में है, उन पर और बल दिए जाने की आवश्यकता हमें है। भारत को यूरेनियम, सोना, प्लूटोनियम, कॉपर आदि जैसे कच्चे माल की आवश्यकता है, जिसे अफ्रीका से मंगाया जा सकता है। इसके बदले भारत उन्हें तैयार उत्पाद दे सकता है। हमारे कई हित विषम है, जहां भारत कुछ बेहतर स्थिति में है जिसे हम और आगे ले जा सकते हैं। अब सुरक्षा के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों दोनों द्वारा सुरक्षा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मामले में दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आतंकवाद रोधी और समुद्री डकैती रोधी गठबंधन द्वारा समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवादी संपर्क के कारण सुरक्षा संबंध लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
अफ्रीका में दो बड़ी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में बोको हरम तथा पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में अल शबाब। ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप के आतंकी संगठन हैं, बोको हरम और अल शबाब। ये दोनों बड़ी बड़े बहुराष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हैं, जो आप आगे पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपस में इनकी कांटेक्ट बने हुए हैं। भारत और अफ्रीका के सामान्य के क्षेत्र जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में के रूप में हिंद महासागर और आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर और ध्यान देने दिए जाने की आवश्यकता है। फिर आपका कृषि का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सहयोग की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों में बड़ी मात्रा में उपयुक्त कृषि भूमि है। इसमें उद्यम करने पर खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल किया जा सकता है। इस क्षेत्र की भारत के साथ पूरकता है, क्योंकि हमारे पास कृषि उत्पादन में दक्ष जनसंख्या, एक बड़ा बाजार और प्रोसेसिंग क्षमता है। अफ्रीका में भारतीयों के लिए कृषि कार्य को संभव बनाने के लिए भारत सरकार को एक विशेष प्रयोजन वाहन या फिर इकाई बनानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विशाल उद्यम की व्यवस्था करना किसी एकल निकाय के लिए संभव नहीं है। फिर आपका विशेष प्रयोजन, एक विशेष प्रयोजन वाहन क्या है, इसे भी देख लेते हैं। विशेष प्रयोजन वाहन को विशेष प्रयोजन इकाई भी कहा जाता है, या वित्तीय जोखिमों को अलग रखने के लिए मूल कंपनियों द्वारा निर्मित एक सहायक संस्था है। एक अलग कंपनी के रूप में इसकी कानूनी स्थिति इसके उत्तरदायित्वों को सुरक्षित करती है, चाहे मूल कंपनी दिवालिया ही क्यों ना हो जाए। पर आपका सामान्य जुड़ाव, भूतकाल से संबद्धता है, जैसे गांधी मंडेला एक क्रोमा जैसे नेताओं को आपस में संबद्ध करके। उपनिवेशी विरोधी, जातिवाद अपनी जड़ों को खोज रहा है और वह उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है, अतः हमें इस कारक का दोहन करना चाहिए, जिसमें पारंपरिक और सांस्कृतिक सुझाव जैसे बम्बई फिल्में शास्त्रीय नृत्य एवं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें भारत को अफ्रीका तक पहुंच बनाने और चीन की तरह समृद्ध होने की आवश्यकता है, ताकि हमारी संस्कृतियां का मिश्रण हो सके और विकास के लिए और अधिक संभावना खोजी सके। अब बात करते हैं अफ्रीकी संघ के बारे में। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के आपके 55 सदस्य देश शामिल हैं। 54-55 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य हैं, ठीक है। इसे वर्ष 1963 में स्थापित किया गया। अफ्रीकी एकता संगठन के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया। अफ्रीकी संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में है। इसके उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना, अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, व्यापार, रक्षा और विदेशी संबंधों पर सामान्य नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना, ताकि महाद्वीप की रक्षा और इसकी वार्ता की स्थिति को मजबूत किया जा सके। अब बात करते हैं संबंधों को बेहतर करने में सहायक उपाय क्या हो सकते हैं। विविधता पर ध्यान देना, प्रत्येक राष्ट्र की व्यक्तित्व का विभिन्न भिन्न तरीके से ध्यान रखकर, क्योंकि अफ्रीका का एक एकल राजनीतिक इकाई नहीं, यहाँ काफी विविधता है। पर आपका सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके, सभ्यता संबंधी एवं ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने पर, क्योंकि संबंधों को और आगे ले जाने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास जरूरी होता है। एक ये तो आप लोग अपने दिनचर्या में भी देखते होंगे कि अपने आप किसी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए आप लोगों में भरोसा होना चाहिए, यानी कि विश्वास होना चाहिए। फिर आपका आकांक्षापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्थन, आकांक्षापूर्ण अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं जो भारत के समान स्तर पर आना चाहती हैं उन्हें समर्थन प्रदान करना चाहिए। एजेंडा 2063
सॉरी, वहां आप लोगों ने 2023 बोल दिया था, तो याद रखिए 2063 है। अफ्रीका को भविष्य की वैश्विक पावर हाउस में रूपांतरित करने के लिए यह अफ्रीका का ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान है। यह महाद्वीप का रणनीतिक ढांचा है जो समावेशी और समन्वयी विकास के लिए इसके लक्ष्यों को प्रदान करने हेतु लक्षित है, और एकता, आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, उन्नति और सामूहिक समृद्धि के लिए पैन अफ्रीकन अभियान की ठोस अभिव्यक्ति है। एजेंडा 2063। समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि आर्थिक एवं औद्योगिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर पहले से परिकल्पित परियोजनाओं पर साथ कार्य करने के लिए सहक्रिया खोजना, चालू योजनाओं पर उन्हें लागू करना है। पर्याप्त सुरक्षा। विवाद का भाव पैदा किए बिना अपने स्वयं की सुरक्षा हितों को सावधानी से व्यवस्थित करना, ऐसा ना करने पर यह एक नाजुक स्थिति बन सकती है और अधिक असुरक्षा को जन्म दे सकती है। अतः उस प्रकार के संपर्कों पर कार्य करना, विश्वास को मजबूत करना, भावी फायदों को के लिए कार्य करना। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों में, तो उसे भी देख लेते हैं। भारत और अफ्रीका को एक मजबूत आधार बनाने की आवश्यकता है जो पहले ही से ही विद्यमान है, तथा सतत तरीके से और अधिक कूटनीतिक मिशन स्थापित करने और अधिक व्यापार मिशन, लगातार उच्च स्तरीय अनुबंध की पुकार करना चाहिए जिसमें शिखर स्तर पर संपर्क भी शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से भारतीय अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में अफ्रीका के अध्ययन के विकास के लिए सतत प्रयास किए जाने चाहिए। सहयोग के समकालीन क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, निवेश, अवसंरचना विकास और मानव संसाधन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें अफ्रीकी लोगों के विकास में सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें डॉक्टरों, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जरूरी है। हमें पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से तेल और कच्चे माल में समृद्ध हैं। तो ये कहानी थी आपकी अफ्रीका और भारत के संबंधों की, ठीक है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिया करिएगा, जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आपके पास लोग खरीदने के लिए ना हो तो आप क्या करेंगे उसका? क्या उत्पादन करते रहेंगे? आपको क्या फायदा होगा? इसलिए हर देश, सबसे देश जो विकसित देश में की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है, वो एक बड़ी जनसंख्या को देखता है। भारत अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। चीन, इससे पहले चीन भी अमेरिका के लिए एक खास देश रहा है, तो भारत से ज्यादा उसे भी तवज्जो देता था चीन। तो चीन भी यही कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है और जहां से अमेरिका निकल रहा है वहां तुरंत चीन घुस जा रहा है, यानी कि चीन महाशक्ति बनने की कतार में खड़ा हो रहा है। समझ सकते हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बना रहा है। और एक आप बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, ये उसी तरह है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दो नेता होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं वो लड़ मरते हैं और नेता शाम को दोनों चाय पी रहे होते हैं। तो बुराई क्या है? जनता कि मतलब कार्यकर्ता मर जाए नीचे, लेकिन नेताओं पर कोई आंच नहीं आती है। सुबह दोनों नेता, दोनों विपक्ष के नेता चाय पी रहे होते हैं, या आपके कई कार्यकर्ता मर चुके होते हैं, अपनी जान गंवा चुके होते हैं, फिर भी नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह देशों का होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान से कई बार आपकी इतनी बुराई हो चुकी थी, फिर चाहे आपका उरी हमला हो, फिर चाहे आपका पुलवामा का हो, उसके बाद भी आपका पूरी तरह से ट्रेड दोनों देशों के बीच नहीं रुका था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतना सब होने के बाद भी आपका ट्रेड यानी कि व्यापार चलता रहा। समझ सकते हैं, तो आप चीन से किसी भी तरह से नहीं ले सकते हैं। कितने लोग टिकटॉक यूज किया, हटा दिया। मैं कल ही परसों देख रहा था आर्टिकल, एक अच्छा वर्ग अभी भी भारत में टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। समझ सकते हैं, तो हम सबको नहीं कर सकते हैं सब कुछ, और आपसे पहले कई देशों ने इस तरह की कोशिश भी की है,
कोई सक्सेस नहीं हुआ है। अब चीन या कोई भी देश सोचे कि भारत से बुराई करके पूरी तरह से बंद कर दिया जाए व्यापार, संभव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक भावनात्मक रूप से आप लोग सोच सकते हैं कि वो अरे हमने भारतीय सामान खरीदेंगे, भारतीय सामान खरीदेंगे, लेकिन हम इतना सक्षम नहीं है अभी कि हम खुद पर डिपेंड रह लें। ठीक है, एक हकीकत जिंदगी होती है, एक दिखावे की जिंदगी होती है। तो आप दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, हकीकत में क्या है उसे पहचाना करिएगा। कभी मुंह उठा करिए मत बोल दीजिए करिएगा कि बाइकॉट, चाइना बाइकॉट, क्या संभव है? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने गांव से अपनी पूर्ति कर सकें? चलिए आप जिस गांव में रहते हैं उसके चारों ओर आप अपना व्यापार बंद कर दें, कितने दिन जिंदा रह सकेंगे? आपके पास चलिए सब्जी होती है, दूध होता है, इस तरह से खाद्यान्न होता है, लेकिन कभी आपको नमक की जरूरत पड़ेगी, तेल की जरूरत पड़ेगी, साबुन की जरूरत पड़ेगी, क्या बिना नहाए सब काम चल जाएगा, बिना खाए चल जाएगा? तो इसलिए अपना परिवार देखिए यार, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, इस तरह की ना तो राजनीति में उलझा करिएगा, ना ही कुछ नहीं मिलता है, बस आपकी तरफ से बुराई होगी, उस तरफ से बुराई होगी। इसी तरह आप लोग जब नेताओं की बात आती हो तो लड़ने लग जाते हो अपने नेताओं के लिए, वही नेता सुबह शाम आप उनसे दोनों की बात होती रहती है, वो लड़ा रहे हैं तुम्हें केवल, तुम मरो मिटो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा है ना कई कांग्रेस वाले मरे हुए हैं कार्यकर्ता, कई बीजेपी वाले आपस में लड़कर, कई सापा एसपी बीएसपी इस तरह से जो भी है, लेकिन दोनों नेताओं में अभी देखिए राहुल गांधी और मोदी की बात होती होगी, आपके अखिलेश यादव और मायावती की बात होती है। देखिए मायावती अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया था, कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया था, और तो और आप सोच सकते हैं इस तरह से शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र में गठबंधन कर लिया कि जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कहते रहे कि हम जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। देखिए राजनीति यही तो होती है, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं रखी जाती, इसलिए बेफालतू में आप लोग भकभका मत करिएगा, अपना परिवार देखिए और बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर आप लोग बच्चों को शिक्षा ना देकर परिवार को ना संभाल कर इस तरह की राजनीति में बीतते हो तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, फिर चाहे आप कितने भी महान बने रहिए। ठीक है, तो चलते हम लोग यहीं बंद करते हैं इसे।